हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हमारे घर का सब काम हो चुका है, साफ सफाई सब हो चुका है। एंड देन आज प्लान है मछली खाने का, तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, जाके मछली वगैरह खरीद के लेके आएंगे एंड बनाएंगे। थोड़ा फिश फ्राई बनाने का मन कर रहा है, लेट्स सी क्या मिलता है। तो जाते हैं, आपको दिखाते भी हैं। और वैसे दिन का कोई प्लान आउट नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं, बट एज इन द डे अनफोल्ड्स देखते हैं क्या करेंगे। कट दिस, अरे छोटे आ जा, हां पूरा फ्रेश है। और ये इस टैंक के अंदर है, कल लोबर पे कदम रखते हैं। ये दूसरे दुकान है, इस टैंक के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, तो वो लोग निकाल रहे हैं। दिख ऊपर से दिख नहीं रहा है, बट देन ये देखिए काफी फ्रेश है यहाँ पे मछली। तो बड़े मछली के साथ हम लोगों ने ये 4 तिलापिया भी लाया है। उसने एक का सर काट के अलग कर दिया था, बाकी सब में हेड के साथ है। तो इसको हम लोग फिश फ्राई बनाएंगे। फिश फ्राई का प्रोसेस हम आपको तुरंत दिखा देते हैं। अभी हम ले लिए हैं ऑनियन 4, ग्रीन चिली और ये गार्लिक और ये करेले, और इन सबको अभी एक फाइन पेस्ट बना देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सॉल्ट, थोड़ा गर्म पानी है। थोड़ा सा विनेगर डाल रहे हैं, टेस्ट अच्छा होगा इसे। कश्मीरी रेड चिली और ये नॉर्मल चिली पाउडर, और अभी डाल रहे हैं जीरा पाउडर 1 स्पून। फिर तो ये मसाला बन के रेडी हो गया है, कलर तो चलिए फिश के ऊपर ये लगा देते हैं। मसाला, इस मसाले में थोड़ा सा हम लोग राइस पाउडर डाल देंगे, थोड़ा क्रिस्पी इफेक्ट के लिए। तो 1 स्पून काफी है, इसको मिक्स कर देते हैं। और इसमें हम लोग थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रहे हैं, 1.5 टीस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल है। इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाने वाला है। आप लोग चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे केरला में कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। आप लोग नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल डाला है क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो इसका मैरिनेशन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड स्मेल नहीं बता सकते, इतना अच्छा आ रहा है इसका। अच्छी तरह से चारों तरफ को बढ़िया से लगा दीजिए। जो कट लगाया है उसके अंदर भी अच्छे से डाल दीजिए मसाले को। इसको लगा के जैसे एक 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। तो गरम पैन में तेल ले लीजिए। डीप फ्राई इसको करना नहीं है, शैलो फ्राई ही रहेगा।
कैसा है? सुपर सुपर। तो रेडी है फिश फ्राई, थोड़ा नींबू भी निचोड़ लीजिए साथ में, और टेस्टी लगेगा। नींबू है, फिश ग्रेवी भी है, ये भी खाएंगे साथ में, लेकिन ये बच जाएगा क्योंकि फिश फ्राई काफ़ी सारा है, थोड़ा ग्रेवी के लिए ये बना दिए थे, इसको हम लोग बाद में खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी बज रहा है 6:30 और हम लोग खेल के आ गए हैं। एक्चुअली आज हम लोग ज़्यादा नहीं खेल पाए क्योंकि बंदर इतना, मतलब एक 50 बंदर आए होंगे यहाँ पे, आके इतना डिस्टर्ब किए, तो कोई तो किसी के घर में घुस रहा है, कुछ कुछ खा रहा है और हमारा पीछे भी पड़ गए थे, तो इसलिए हम डर के चले आए एक बार, फिर और एक बार खेलने के लिए गए। तो अभी जस्ट आके फ्रेश होके थोड़ा बैठे हैं, अभी सोच रहे थोड़ा बाहर जाएंगे, पानी पूरी खा के आएंगे। तो मैं दिखाती हूँ कहाँ पे मैं खा रही हूँ पानी पूरी, तो चलिए खाते हैं। बहुत दिन हो गया गिटार नहीं बजाए, बहुत दिन हो गया, थोड़ा सा गिटार में एक प्रॉब्लम ही हुआ है, ये मेरा ब्रिज थोड़ा सा उठ गया है तो बजाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये स्ट्रिंग्स अगर देख पा रहे होगे काफ़ी उठ गया है ऊपर, इसको ले जाके रिपेयर कराना पड़ेगा तब जाके ये। दिसंबर का महीना है तो क्रिसमस के गाने बजाने का बहुत शौक, मतलब हम लोग काफी दिन से बजा रहे हैं, घर पे बजा रहे हैं म्यूजिक सिस्टम पे, लेकिन गा नहीं पा रहे, मतलब कुछ ना कुछ मेरे गिटार में भी प्रॉब्लम है तो बजाने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर भी Come let us
करवा देंगे आई थिंक उसके बाद और ये बेटर बनेगा। बहुत दिन से प्रैक्टिस भी नहीं हुआ सीरियसली। दूसरा को ट्राई करेंगे आज है प्रैक्टिस करके फिर गाएंगे। आज तो बिल्कुल बिना प्रैक्टिस के गिटार स्टार्ट किया बजाना। तो ये जो रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम है उसके एग्जैक्ट सामने श्री लक्ष्मी चाट भंडार, तो एक प्लेस काफी फेमस है पानीपुरी के लिए। तो ये आलू वाला नहीं है, मटर वाला ही है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा प्रेफर करते हैं आलू वाला, लेकिन चलेगा, सब मटर है लेकिन खाएंगे, ये भी अच्छा लगता है, थोड़ा गर्म करके बना के खिलाएंगे। लेट्स एंजॉय, रेडी फुल खुश। खिला दे ब्लू राइस, मस्त है, मजा नहीं आ रहा है, ठंडा अच्छा है, तो गरम गरम बोल रही है खाएगी। और फ्रेंड्स हम लोग पानी पूरी खा के आ गए हैं अभी, और एक्चुअली आ गए, एक 1 आवर हो गया आके, फिर हमारा लैंडलॉर्ड का वो बच्चे लोग आ गए थे, पूरा मस्ती कर करके बात कर करके बैठ गए थे सब। फिर अभी मैं बैठ के ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना कि जैसे कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं कल और एक नया ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू टुमारो।